kiss for you. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम एडवांस पारा आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के जरिए क्लेम करते हैं और हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और क्लेम में लिखा होता है योर क्लेम आईडी हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू लास्ट 3 मंथ वेजेस नॉट रिसीव्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 3 मंथ वेजेस। तो इसका क्या मतलब होता है या क्यों रिजेक्ट होता है, तो चलिए समझते हैं। तो आपने भी क्लेम किया और आपका भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है कुछ इसी तरह के रीजन से, मतलब कि आपके क्लेम में कुछ और तरह से भी लिखा हो सकता है, सेम नहीं लिखा हो सकता है, पर लास्ट 3 मंथ के बारे में बताया गया है, तो आपका भी क्लेम इसी रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पीएफ पासबुक में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि इस एडवांस पारा के जरिए आप जब भी क्लेम करो तो आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पासबुक में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन लास्ट 3 मंथ से आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पासबुक में नहीं हो रहा होगा, तो आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें लिखा होगा कि लास्ट 3 मंथ से आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो यही रीजन होता है कि लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है इस एडवांस पारा के जरिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपका भी सेम रीजन से रिजेक्ट हुआ है तो आप किसी और एडवांस पारा के जरिए पीएफ का एडवांस विद्रोह कर सकते हैं, या फिर आपने कंपनी छोड़ दी है तो पीएफ का फाइनल विद्रोह आप कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और भी अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं आपको मिलता हूँ और भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।